हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 14। काफी कमाल का पोयम है और इस पोयम का नाम है द हाईवेमैन। हाईवेमैन का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो आते जाते राहगीरों को या रोड पे आते जाते लोगों को पिस्टल दिखा के क्या करता है, उनसे लूटपाट करता है, चोरियां करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लाइन पढ़ते हैं हम लोग, द वाइंड वॉज अ टोरेंट ऑफ डार्कनेस अमंग द गस्टी ट्रीज। और यहाँ पे जो सीन है, जो कवि पोएट बता रहे हैं कि यहाँ जो ये जो पोयम है ये रात के समय का है और जो हवा थी बहुत ही तेजी से बह रही थी। गस्टी ट्रीज का मतलब यहाँ पर होता है विशाल पेड़, और जो हवाएं थी इतना तेजी से बह रहा था, जो बड़े बड़े विशाल पेड़ थे ठीक है, वो क्या हो रहे थे, झूम रहे थे, हिल रहे थे, और उनसे कुछ आवाजें आ रही थी। द मून वॉज ए घोस्टली गैलियन टॉस्ड अपॉन क्लाउडी सीज। जो मून था, चंद्रमा था, वो बादलों में मतलब ऐसा दिख रहा था जैसे कि समुद्र में कोई बोल सकते हैं जहाज तैर रहा है, इस तरह से कुछ नजर आ रहा था। द रोड वॉज अ रिबन ऑफ मून लाइट ओवर द पर्पल मून, यानी जो रोड थे उस समय रात के समय एक रिबन की तरह दिख रहा था ठीक है। एंड द हाईवे मैन कम राइडिंग राइडिंग राइडिंग, और यहाँ पे जो हाईवे मैन है, हाईवे मैन क्या है, एक लुटेरा है जो एक घोड़े पे सवार होके वो मतलब कि आता है, और ये रोड मतलब से रोड से क्या होता है, एक जगह पे जाता है जहां पे उसका एक क्या होता है, एक घर होता है छोटा सा, वहां पे ये जाता है राइडिंग करके। द हाईवे मैन कम राइडिंग अप टू द ओल्ड इन डोर। ओल्ड इन डोर का मतलब होता है एक पुराना सा घर होता है ठीक है, वहां पर हाईवे मैन क्या होता है, राइडिंग ये करके वहां पर पहुंचता है, जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं ठीक है। ही वुड अ फ्रेंच कॉक्ड हैट ऑन हिज फोरहेड, अ बंच ऑफ लेस एट हिज चिन। यानी अब इसके पहनावे के बारे में बताया जा रहा है कि जो ये लुटेरा है, हाईवे मैन है ठीक है, ये फ्रेंच कॉक्ड हैट पहना हुआ था, मतलब कि जो टोपी थी इसकी फ्रेंच टोपी थी, और इसके जो शूज के लेसेस थे ठीक है, मतलब कि ये चिन काफी लंबा था। अ कोट ऑफ ए क्लियर वेलवेट, मतलब कि ये वेलवेट की जो कलर का एक क्या पहना हुआ था, कोट पहना हुआ था। एंड ब्रीचेस ब्राउन ऑफ द ब्राउन डज स्किन, और वो क्या पहना हुआ था, ब्रीचेस पहना हुआ था, मतलब कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो थाई पर पहना जाता है ठीक है। दे फिटेड विथ नेवर रिंकल, His boots were up to the high, मतलब कि वो ऐसा पहना हुआ था कि उस पर कुछ रिंकल्स नहीं दिख रहे थे, मतलब कि काफी फिट आ रहा था वो कपड़ा, और इसकी जो बूट थे, बूट का मतलब कि जूता था, आप देख सकते हैं इस इमेज में यहाँ तक जांघ तक इसका जूता आ रहा था, मतलब कि काफी बड़ी सूज थी इसकी ठीक है, काफी लंबी सूज थी। अब देखते हैं आगे, दे फिटेड विद नेवर रिंकल्स, हिज बूट्स वर अप टू द हाई एंड ही रोड विथ ज्वेल्ड ट्विंकल्स। अब ये क्या कर रहा था, चमकती हुई रातों में ठीक है, मतलब कि काफी ज्यादा चंद्रमा निकला हुआ था और काफी ज्यादा क्या था, ब्राइट रात था उस समय, तो उस रास्ते को पकड़ के वो कहां पर जा रहा था, एक अपने पुराने घर के पास जा रहा था। हिज पिस्टल बर्स्ट अ ट्विंकल, और उसकी जो पिस्टल थी वो भी क्या हो रहा था, चमक रहा था ठीक। हिज रैपियर हिल्ट अ ट्विंकल अंडर द ज्वेल्ड स्काई, और यहां पर है हिल्ट का मतलब यहाँ पर होता है कि ऐसा जगह जहां पर तलवार रखा जाता है ठीक है। तो वो क्या हो रहा था कि रात के समय वो भी क्या हो रहा था, बहुत ही ज्यादा ट्विंकल कर रहा था, काफी मतलब कि चमक आ रही थी उससे। ओवर द कोबल्स ही क्लटर्ड एंड क्लस्ड इन द डार्क इन यार्ड। अब वो क्या होता है, कोबल्स का मतलब जैसे ही वो छोटे छोटे पत्थरों पर अपने घोड़े से चल कर जाता है, तो वहां पर काफी क्लैटर्ड की आवाज आती है, क्लैस्ट की आवाज आती है, मतलब खड़खड़ाहट की आवाज आती है, जैसे कि आप भी अगर छोटे छोटे पत्थरों पर कोई चलता है ठीक है, तो वहां पर किसी तरह की क्या होती है, आवाज आती है खड़खड़ाहट की, तो उसी तरह से आवाज आ रही थी। ही टैप्ड विथ हिज व्हिप ऑन द शटर्स बट ऑल वॉज क्लोज्ड एंड बियर्ड। जैसे ही वो घर के पास पहुंचता है ठीक है, और वे व्हिप ऑन शटर्ड, यानी वहां पर क्या करता है, एक मतलब कि एक नॉक करता है शटर पर, लेकिन सारे सारे क्या थे, जो दरवाजे थे वो लॉक्ड थे, मतलब बंद था उस घर का दरवाजा। ही विसल्ड अ ट्यून टू द विंडो, और वो क्या करता है, जो हाईवे मैन होता है वो विंडो के पास आता है और वहां पे एक सीटी बजाता है ठीक है। एंड हु शुड बी वेटिंग देयर, क्या आप गेस कर सकते हैं कि वहां पर कौन वेट कर रहा है, बट द लैंडलॉर्ड ब्लैक आइड डॉटर, कौन थी, लैंडलॉर्ड की
ब्लैक आइड डॉटर थी। ब्लैक आइड का मतलब कि वो काफी खूबसूरत लड़की थी जो कि वहां पर वेट कर रही थी, किसका? हाईवे मैन का। और वो जो हाईवे मैन होता है वो क्या करता है उस ब्लैक आइड डॉटर से, मतलब कि उस लड़की से ये काफी ज्यादा प्यार करता था। और उस लड़की का नाम क्या था? बेस था। द लैंडलॉर्ड डॉटर्स प्लेटिंग अ डार्क रेड लव नॉट इनटू हर लॉन्ग ब्लैक हेयर। वो क्या कर रही थी, जो लड़की थी ठीक है, बेस नाम की जो लड़की थी, वो हाईवे मैन का इंतजार कर रही थी और वो अपने बालों को क्या कर रही थी, सवार रही थी या चोटी बांध रही थी उस समय। ये जो पोएम है, अभी इस चैप्टर में सिर्फ दो स्टेंजा दिया गया है, बाकी अभी और भी स्टेंजा हैं, और अगर इस चैप्टर में दिया गया होता तो आपको अच्छे से समझ में आता, ठीक है। तो इसमें सिर्फ दो ही स्टेंजा है इस चैप्टर में, इस पोएम में। तो यहाँ पर हाईवे मैन क्या होता है, एक तरह का चोर होता है, और वो एक जगह पर जाता है जहाँ पे इसकी लवर रहती है, मतलब जो वेट कर रही होती है, वो अपने घोड़े पर बैठ के जाता है। और हाईवे मैन बेसिकली क्या होता है, एक तरह का, इसका कोई नाम नहीं दिया गया, एक तरह से इस पोएम में बताया गया कि वो एक चोर रहता है, एक लुटेरा रहता है, जो भी आते जाते इंसान मिलते हैं उससे उनको लूट लेता है, ठीक है। और ये जाता है अपने घोड़े पर बैठ कर अपने लवर से मिलने के लिए, ठीक है। सो ये थी पूरी स्टोरी। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।